सुनो, जमीन पर जहन्नुम की वादी कौन सी है? ये वादी सबसे बदतरीन वादी है, तभी इसे जहन्नुम की वादी कहा जाता है। ये बताने से पहले आप सब ने मेरे YouTube चैनल पर जाना है और पिजन गर्ल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करना है और वापस आके डन जरूर लिखना है और इस वीडियो कंटिन्यू करना है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने ये सवाल किया कि रूह ज़मीन पर जहन्नुम की वादी कौन सी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमान और यमन के मुकाम पर, यमन के मशरकी किनारे पर, शहरों से दूर सहरा में एक स्याह निशान है, गोया जमीन से एक बड़ी आंख झांक रही है। एक गोल और गहरा होल है जिसे जहन्नुम का कुआं कहा जाता है कि इसकी गहराई 112 मीटर है और इसमें उतरना बहुत मुश्किल है और ये कुआं पुरेसरार है और बेकाबू जिन्नातों की जेल है जहां से बुलंद चीखों की आवाजें आती हैं। वहां की हवा में सांस लेना मुश्किल है। ये वो वादी है जो जहन्नुम की वादियों में से एक है और यही वो वादी है जिसे वादिय बरहूत कहा जाता है। लेकिन याद रहे कि जिन्होंने अल्लाह और उनके प्यारों की मार्फत को जाना, वो दुनिया में ही जन्नत के मेवों से फैजयाब हो रहे हैं और जिन्होंने इनकार किया उनके लिए खुदा ने दुनिया में ही जहन्नुम बना डाली।